हेलो दोस्तों, मैं क्लास थ्री का डिवीज़न चैप्टर का वर्कशीट फाइव बता रहा हूँ। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। इसको बताने से पहले कुछ मैं आपको पहले बेसिक बता देता हूँ। जैसे दोस्तों देखिए, 12 डिवाइड ऑफ 3 करेंगे तो हमको आंसर मिलेगा 4। दोस्तों इसको क्या बोलते हैं, जो सबसे बड़ा होगा इसको डिविडेंड, जिससे डिवाइड करते हैं वो डिविज़र, और जो आंसर आता है उसको क्विसेंट। दोस्तों एक और चीज़ मिलता है रिमाइंडर, जो आपके बुक में अभी सिलेबस में रिमाइंडर नहीं है, जब आएगा तो बताएंगे, इसमें रिमाइंडर लेकिन नहीं है। तो इसको डिविडेंड डिविजर क्वेश्चन, डिविडेंड डिविजर क्वेश्चन मेरे साथ बोलिए, आपको याद आ जाएगा डिविडेंड डिविजर क्वेश्चन। दोस्तों तो आप हम लोग यहाँ क्या करना है, कंप्लीट द टेबल, ये टेबल को बनाते हुए चलना है ना। फर्स्ट वन ये डन फ्रू, पहला दिया हुआ है, पहला दिया हुआ दोस्तों ए नंबर में 21 डिवाइड 7 करेंगे तो 3 आएगा, है ना। तो दोस्तों 21 को डिविडेंड बोलते हैं, अभी जस्ट बताए, 7 हो जाएगा डिविजर, और ये हो जाएगा आंसर जो आता है उसको क्वेश्चन बोलते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ लिख देते हैं सारा, DIVIDEND डिविडेंड, DIVISOR QUOTIENT क्विशेंट, यहाँ लिखते जहाँ जाएंगे, और इधर डिविजन फैक्ट लिखेंगे। तो ए नंबर बना हुआ दोस्तों, हम लोग बी नंबर से बनाते हैं। तो बी नंबर में है दोस्तों 18 डिवाइड ऑफ 2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 9, पहला बॉक्स में यहाँ पे 9 भरा जाएगा। और डिविडेंड कितना है दोस्तों, 18, डिविजर 2 है और क्वेश्चन 9 आया। नेक्स्ट बता रहा हूँ, सी नंबर 35 डिवाइड ऑफ 5 है दोस्तों, आंसर आ जाएगा 7 यहाँ पे इस बॉक्स में। दोस्तों डिविडेंड 35, डिविजर 5 और क्वेश्चन आया 7। उसके बाद है डी नंबर, डी नंबर में है 64 डिवाइड ऑफ 8 दोस्तों, आंसर आ जाएगा 8। और दोस्तों डिविडेंड कितना है 64, डिविजर कितना है 8 दोस्तों, ये वाला 8 यहाँ है, और क्वेश्चन कितना है ये भी 8। नेक्स्ट है ई नंबर 50 डिवाइड ऑफ 5 तो दोस्तों 10 हो जाएगा, 5 10 50, डिविडेंड 50, डिविजर 5 और क्वेश्चन 10 हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों एफ नंबर 27 डिवाइड ऑफ 3 तो आंसर आ जाएगा 9 दोस्तों, डिविडेंड 27, डिविजर 3 और क्वेश्चन 9। नेक्स्ट बता रहे हैं दोस्तों टू नंबर भी उसी तरह से है, मेक द डिविजन फैक्ट फॉर द फॉलोइंग, डिविजन फैक्ट बनाना है, फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। दोस्तों डिविडेंड देखिए क्या है, ए नंबर में डिविडेंड मतलब सबसे आगे वाला दिया हुआ 36, डिविजर जिससे डिवाइड करना है 9 दिया हुआ है, और क्वेश्चन दोस्तों कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो दोस्तों ये हम लोग का क्या निकला, डिविजन फैक्ट, डिविजन फैक्ट दोस्तों ये निकल गया। तो चलिए उसी तरह से ए नंबर बना हुआ था लेकिन फिर भी मैंने बना के दिखाया, बी नंबर में डिविडेंड दिया हुआ 30, डिविजर 6 से डिवाइड करना है दोस्तों, 6 5 30, इसमें 5 भरा जाएगा, और ये डिविजन जो फैक्ट है ये है, मैंने डिविजन फैक्ट बना के दिखाया, ये फैक्ट यहाँ पर आ जाएगा। सी नंबर में है डिविडेंड 42 दोस्तों, डिविजर 7 तो 7 से डिवाइड करेंगे 42 को तो 6 आ जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा डिविजन फैक्ट, और क्वेश्चन कितना निकलेगा यहाँ 6 भरा जाएगा। नेक्स्ट बता रहा हूँ डी नंबर दोस्तों, डिविडेंड 72 डिविजर है 9 तो क्वेश्चन 8 हो जाएगा, ये डिविजन फैक्ट हो जाएगा दोस्तों, यहाँ 8 भरा जाएगा और यहाँ पे ये पूरा फैक्ट भरा जाएगा ये वाला। अगला बता रहा हूँ, उसके बाद ई नंबर में है दोस्तों डिविडेंड कितना है 81, डिविजर 9 है तो 81 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा, ये डिविजन फैक्ट है दोस्तों, यहाँ 9 भरा जाएगा और यहाँ पूरा ये भरा जाएगा। अगला है एफ नंबर में डिविडेंड 45 डिविजर 5 है तो आंसर आ जाएगा 9 दोस्तों, इसमें 9 भरा जाएगा और यहाँ पूरा डिविजन फैक्ट भरा जाएगा। दोस्तों अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्त के शेयर भी कीजिएगा, और एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।